जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हो कनाडा के बारे में, कनाडा में एक तरीके से दो दिन से इमरजेंसी लगा हुआ है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये कनाडा का दोगलापन है, क्योंकि जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था और बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो एक वक्त पर हिंसक भी हो गया था, फिर भी भारत सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। तब इंटरनेशनल जो कंट्री है, अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोप के कंट्री, वो भारत को डेमोक्रेसी का ज्ञान दे रहे थे। खासकर कनाडा वाले भारत को डेमोक्रेसी का ज्ञान दे रहे थे कि भारत किसान आंदोलन में बहुत सारा जुर्म कर रहा है या वगैरह वगैरह। लेकिन जब उनके देश में वो चीज़ हुआ, वो एक महीने भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और ये दिखाता है कौन डेमोक्रेसी को ज़्यादा फॉलो करता है और कौन दोगलापन अपने नीति में लाता है। आज मैं इसी टॉपिक पर एक बहुत छोटा सा अपडेट आप सबको देने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों जब भारत सरकार किसान बिल लाया था, उसमें मैं पहले से आपको, हालांकि उस पर कोई, तब अगर आप देखोगे, बताया था कि तीन जो रूल थे उसमें मॉडिफाई होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इतना खराब भी नहीं थे। लेकिन उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ और तकरीबन एक डेढ़ साल तक प्रोटेस्ट चला और एक वक्त पर सरकार राजी भी थी वो तीन जो मेन प्रॉब्लम था वो कानून में उसे हटाने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन बाद में जो किसान नेता थे पंजाब और हरियाणा या फिर यूपी के कुछ एरिया के, वो बिल्कुल ये एक तरीके से आप कह सकते हो अपना मांग रखे कि नहीं टोटल कानून आप हटाओ। एक तरीके से वो चाहते थे कि ये बिल को लेकर एक दंगा भारत में हो या फिर बहुत सारा हिंसा भारत में हो। और इसके पीछे फंडिंग उनको फॉरेन कंट्री से आ रहा था, जो आज हमें खुद सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्री कहते हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, दूसरे देश हो गया। कनाडा तो फेस था, लेकिन उससे पीछे भी और भी बहुत सारे कंट्री थे, ये किसी छिपा नहीं था। और आखिरकार भारत सरकार को वो बिल हटाना भी पड़ा, जो एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत सैड है, लेकिन फिर भी देश हित में आप कह सकते हो चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन जब वही कनाडा में ट्रक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, एक महीने भी वो प्रोटेस्ट, ज़्यादातर आप देखोगे तो एक महीने भी नहीं हुआ है, लेकिन कनाडा ने अपने इकोनॉमी या फिर अपनी सुरक्षा की बात उठाकर वो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इमरजेंसी लगा दिया है। अब कनाडा का कहना है कि वो प्रोटेस्ट के कारण उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था और अमेरिका और कनाडा का संबंध भी खराब होने की चांस था। और अब वो जो इमरजेंसी लगाए, हालांकि कनाडा की जो रूल है उनमें वो चार टाइप का इमरजेंसी लगा सकते हैं, और ये पब्लिक वेलफेयर वाला इमरजेंसी है और ये एक महीने तक चलेगा। अब ये इमरजेंसी लगने के बाद कनाडा में प्रोटेस्ट एक तरीके से आप कह सकते हो कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो रूल लाए हैं कि अगर कोई बंदा ठीक से उनकी बात को नहीं मानेगा या फिर रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उन्हें 6 महीने या फिर उससे 1 साल तक जेल भी हो सकता है और $500 उस पर फाइन लगेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट चाहे तो बिना अदालत या फिर उनके कोर्ट को बिना पूछे ही, अगर अब जो आंदोलन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं या फिर फंडिंग कर रहे हैं उनके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है, उनको जेल में डाल सकता है। एक तरीके से आप कह सकते हो ये लोग जो चीन और नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगा रहे थे, खुद एक तरीके से वही काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो इतना हिंसक भी नहीं था और उनके साथ बातचीत भी वो नहीं किए जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, हालांकि अब जस्टिन ट्रूडो के जो फादर है वो भी 1972 में इमरजेंसी लगाए थे कनाडा में, लेकिन वो एक अलग रीजन था, क्योंकि तब उस टाइम में कुछ टेररिस्ट एक तरीके से आप कह सकते हो एक्टिविटी हुआ था, तो कुछ दिन के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए वो इमरजेंसी लगाकर आर्मी को भेजे थे। लेकिन ये एक अलग कारण है, जो देश हमें भारत को डेमोक्रेसी का ज्ञान दे रहे थे, अगर आप फुटेज भी देखोगे, अगर वो जो कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहा था किस टाइप का, मतलब उनके जो पुलिस है या फिर उनके आर्मी वाले हैं किस टाइप से लोगों के ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हो उनको कंट्रोल लाने के लिए पावर का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो चीज़ भारत में होता तो वो बहुत सारे हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और इसी वजह से भारत अभी भी खुलकर अमेरिका समेत वेस्ट को अपने फ्रेंडली कंट्री के तौर पर नहीं देख रहा है और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी मतलब कह सकते हो भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन खालिस्तानी प्रोटेस्ट को लेकर एक अपडेट तो आप सबको पता होगा, कल रात को आपको मिल गया होगा, जो दीप साधु है या सिद्धू जो भी है उसका डेथ हो गया है कल। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड पंजाब में हैं वो बोल रहे थे कि ये जो दीप साधु है वो लोगों को जाकर ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा भड़का रहा था। और एक, मैं तो उनका नाम नहीं बता सकता था जो मुझे मेरे दोस्त वगैरह है, लेकिन वो कहते थे कि उनके गांव में आता था वो या फिर उस एरिया विजिट करता था और भारत के खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा करता था, और जो बुरा काम करता है उसका नतीजा भी आखिरकार बुरा ही होता है। वो पाकिस्तान और दूसरे देशों के सपोर्ट में भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था और आप देखो उसके साथ क्या हुआ। और कुछ लोग ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि शायद उसको मर्डर भी किया गया होगा खालिस्तानी सपोर्टरों के द्वारा, क्योंकि बीच में वो धमकी दी थी कि वो सारा लोगों का नाम खुलासा कर देगा। चलो ठीक है, वो जो भी हुआ, जो बुरा लोग है वो उनके साथ अगर बुरा होता है तो हमें उसमें कोई चिंता करने की बात है नहीं, लेकिन आखिरकार हमारे देश में सब कुछ शांत रहे और सब कुछ सही में रहे, ये बड़ी बात है। और ये मैं कनाडा की जो डबल स्टैंडर्ड है उसे बस आप सबके लाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया था।
आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।